कुरान को थोड़ी सी ब्रेक लग गई, शुक्र है 260 समथिंग पे आया है, 300 से नीचे आ गई, 260 समथिंग जो या 277 पे अभी। अच्छा मैंने कल जो प्राइस पढ़ी थी दैट वाज 266, बट एनीवेज इतना ही है, 280 से नीचे आ गया है, शुक्र है। जो 310 तक बात चली गई थी और ओपन मार्केट में 300, आपको क्या लगता है ये आर्टिफिशियल है या फिर दिस इज द रियलिस्टिक? सेल्फ क्रिएटेड, मोस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स वो ये कह रहे हैं कि सेल्फ क्रिएटेड है। पाकिस्तान से डॉलर निकलवाने की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डॉलर जमा करके रखे हुए थे, बहुत सारे बिजनेसेस ने डॉलर जमा करके रखे हुए थे। एक और चीज़, अगले साल से अब बहुत सख्ती से कहा गया है, इस साल तो उन्होंने थोड़ी सी लिवरेज दे दी, कि जो हजाज कराम है अब उनसे सिर्फ और सिर्फ डॉलर में कीमत वसूल की जाएगी, कोई और करेंसी नहीं, पाकिस्तानी करेंसी। मेरे ख्याल से रुपये को ख़त्म करके डॉलर ना रख दिया जाए, है ना, सीधी सी बात है, फिर तो हम अमीर हो जाएंगे रातों रात। हमें वो यूरोपियन यूनियन वाला कुछ करना चाहिए कि कुछ वाले के साथ मिलके एक करेंसी में आ जाए। लेकिन ये भी तो मसला है ना, हम तो डूबे तुमको भी लेके डूबेंगे वाला। हम तो किसी से लगा के खा भी नहीं रहे ना, ये भी तो मसला है, इधर भी हमारे इख्तलाफात चल रहे हैं। किसी को साथ हमारे रलने की जरूरत है, ठीक है ना, हम अकेले जो है ना जलील होते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो चार पांच इकट्ठे होकर जलील हो ना। वो जैसे ग्रुप में होते थे तो टीचर जब बेइज्जती करती थी क्लास में तो फिर रिलीफ होता है। हमारे मुस्लिम उम्मा कहां है, हमारे वो मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज, we need help, join hands. मुझे don't sound like the prime minister please right now. मैं मांगने नहीं आया, मैं नहीं कहना चाह रही थी, आपने कह दिया। मैं थोड़ी ढके छुपे अल्फाज में इशारा कर रही थी। primarily इसमें बहरेन, UAE, कतर, ये ओमान, ये सारे ममालिक आ जाते हैं। अरब्स से ज्यादा अगर हम एशिया, एशियन करेंसी को डेवलप करने में, एशियन इकोनॉमी पे भरोसा करें, साउथ एशिया की बात कर रही हैं, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सार्क वो गप्पे लगाने के लिए करते हैं, आपको पता है अभी तक समझ नहीं आई है। सार्क वो सिर्फ जो हालात चल रहे हैं, श्रीलंका इज डाउन, नेपाल इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी, ठीक है, उनकी भी क्रैश करने लगी इकॉनमी, पाकिस्तान इज इन द पाइपलाइन, तो मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम। रूस से अगर हम तेल चाइनीज करेंसी में ले सकते हैं तो सोचे हम क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमारे आपस की अनाएं खत्म होंगी, खाम खा के क्रिएटेड मसले जो है वो खत्म होंगे, तो मेरे ख्याल